Fatima Lagari and I'm the owner of Momina Salon. We are pro on board with Be Beautiful Pakistan. So as you all know, there's a craze of nail art these days and online videos make it more complicated to do it. So we are here to show you easiest and cheapest way to do it yourself at home. So before beginning, let me give you a helpful tip. Our cuticles become drier and weaker as we use different products. I'll recommend you to use some oil or Vaseline before going to bed as it will moisturize your cuticles. Trust me, it will help you in the future. So let's begin. अच्छा जो टिप सबके लिए जो घर पे यूज़ करेंगे नेल आर्ट बनाने के लिए वो सबसे अच्छी टिप ये है आप लोगों के लिए कि जो कलर व्हील बैलेंस है ना उसको दिमाग में रखना है। अभी हम लोग मरून शेड यूज़ कर रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा सा डार्कर टोन में न्यूड शेड यूज़ करूँगी। अगर मैं यहाँ पर रेड यूज़ करती तो मैं इससे भी लाइटर न्यूड शेड यूज़ करती ताकि जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बैलेंस रहे, ज़्यादा अजीब ना लगे। As I told you can keep your nails like this plain and simple, but for me I like check design, so now we're going to show you that. So you have to begin with plain nail paint on stick-on nails. Once you're done with it, hum jo hai iske andar design dalenge to elevate our look. कम्प्लीट लुक, लुक हाउ क्यूट दिस टर्न आउट टू बी। आप ऐसे इसे ऐसे भी रख सकते हो, उसके अलावा जो है आप इसको शादी पे कैरी कर सकते हो, वलीमा पे कैरी कर सकते हो। आप चाहो तो इस वाली फिंगर पे डायमंड टीज या स्टार्स ऐसे कुछ ऐड भी कर सकते हो ताकि आप इसको और ज़्यादा एलिवेट करो। बाकी आई लाइक दिस लुक। सो इन दिस लुक वी आर गोइंग टू शो यू फ्रेंच कलर्ड फ्रेंच टिप्स, और इसके लिए हम लोग पहले स्टिक ऑन नेल्स यूज़ करेंगे और स्टिक ऑन नेल्स यूज़ करने के बाद हम नेल कटर यूज़ करेंगे। अब इसके लिए हम लोग कॉफिन शेप कर रहे हैं ताकि हमारी लुक बहुत उठ के आए। अब इससे सिर्फ कट करने से ही कॉफिन शेप आ जाएगी, लेकिन हम लोग जो है फाइलर यूज़ करेंगे ताकि एक स्लीक लुक आ जाए। जब फाइलर यूज़ कर लेंगे उसके बाद जो है हम लोग अपना बेस कोट लगाएंगे। बेस कोट के बाद हम लोग फंकी नेल पेंट्स यूज़ करेंगे इस ब्रश की मदद से ताकि हमारी वही प्रिसीजन है। लेकिन अगर आपके पास ये ब्रश नहीं है तो टिप आप लोगों के लिए ये है कि हम लोग टेप यूज़ कर सकते हैं। टेप को कट करके अगर हम अपनी फिंगर पे रैप कर लें और नीचे ही सिर्फ हम अपना नेल पेंट लगा लें तो वही फ्रेंच टिप्स हो जाएंगी विदाउट एनी ब्रश।
the complete look. Look how cute and trendy it turned out to be. और अगर हम चाहें, एक और टिप आपके लिए ये है कि हम यहाँ पे वाइट नेल पेंट भी यूज़ कर सकते हैं और इनको फ्रेंच टिप बना सकते हैं वाइट में. आई हैड फन टीचिंग यू हाउ टू डू योर नेल्स एट होम. इफ़ यू लाइक आवर वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू बी ब्यूटिफुल पाकिस्तान.